नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। खुश होंगे ना? मैं हसी काली और मेरे साथ हैं तारिक नाज़िर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहे हैं, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की वीडियो है मीट साइंस एंड फन आशु खाली। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लाइक स्टार्ट, टाइटल है मीट साइंस एंड फन आशु खाली एपिसोड 59 से। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर अभी पीछे बैक स्टेज पर, उनका अपना यूट्यूब चैनल है साइंस एंड फन के नाम से, और उनके यूट्यूब के ऊपर 45 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली आशु घाई। क्या चल जी? अरे अरे चले मिले। आप में से जिन लोगों ने इनकी वीडियोस देखी है, आपको पता ही होगा कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से जो साइंस के टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग जो साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो आज इस सेशन को यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, कोई एक्सपेरिमेंट से जो भी आपके माइंड में है उससे हम शुरू करते हैं सेशन को। सर, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट मैं आपके लिए सोच के लाया था, लेकिन ये बच्चों के साथ करते हैं। हाँ, और जो भी इस टास्क को कर देगा उसको संदीप सर 10,000 रुपए देंगे पक्का। मैं आप पे दाव लगा रहा हूँ, मत देना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ, सर, कोई भी अगर कोई वॉलंटियर यहाँ पे आना चाहते हैं, आप आ जाओ। टास्क क्या है कि आपको अपनी एक टांग, यानी इनको अपनी एक टांग 10 सेकंड तक हवा में उठानी होगी। और अगर ये 10 सेकंड तक, ऐसे मैंने उठा रखी है, अगर ये 10 सेकंड तक अपनी एक टांग उठाते हैं तो संदीप सर इनको अभी गूगल पे करेंगे 10,000 रुपए। भाई ये मतलब एक को ही देने हैं ना, सबको तो नहीं देने ना। सर ये वहां पे कर सकते हैं? हाँ हाँ, जहां मर्जी। छोटा सा ट्विस्ट क्या है बस, कि इनको क्या करना होगा कि अपनी, एक बार इधर आ जाएं आप, इनको अपनी जो राइट लेग है वो यहां पे जोड़ के रखनी होगी, और अपने शोल्डर को भी यहां पे टच करके रखना होगा, और अपनी लेफ्ट लेग को 10 सेकंड तक उठाना होगा। हम सब 10 सेकंड तक काउंट करेंगे, अगर ये 10 सेकंड तक उठा लेते हैं तो 10,000 रुपए। हर एक सेकंड का 1,000 रुपए नहीं है भाई। आप अपने लेग वहां पर टच कर लीजिए और शोल्डर टच कर लीजिए, चेस्ट सीधी रख लीजिए। यस, हम सब काउंट करेंगे 1, 2, 3 पे टांग उठाएंगे। 1, 2, 3। कैमरा फोकस किया जाए इन पैरों पर। आप नहीं कर पा रहे, कोई और भी? अच्छा, आप आ जाइए। आइए, हम 1, 2, 3 बोलेंगे। 1, 2 एंड 3। चलिए पहले तो इनके तालियां बजा, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम। तो एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक्चुअली बॉडी के बीच में लाया करता है, मतलब जहां आप सोच रहे हैं वहां नहीं, थोड़ा सा ऊपर लाया करता है। और बायोलॉजिकली हमारी बॉडी बैलेंस रहती है सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर मैं अपनी कोई भी एक लेग उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी अपर बॉडी ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट होना चाहेगी टू बैलेंस द सेंटर ऑफ मास। बट उनके पास ऑपोजिट साइड पे जाने के लिए जगह नहीं है, और अगर जगह नहीं है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। तो बायोलॉजिकली उनकी बॉडी कह रही है कि तो एक साइड गिर जाएगी। बहुत सिंपल सा एक साइंस का कांसेप्ट। एक्सीलेंट जी, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी मैं कहीं जाता हूं तो पता नहीं मुझे ऐसा कि, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हमारा 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना वर्ल्ड में, और इंडिया का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बना, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें थोड़ी सी ईगो आई हो। लेकिन इस शो में आने के बाद सर थोड़ी सी बनती है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सर के साथ एक फोटो क्लिक कराऊंगा। बिल्कुल, और उसकी एक टी शर्ट बनवाऊंगा और उसके नीचे लिखूंगा कि तमीज से बात करो। आपका जो वैसे स्टाइल है ना, मैंने देखा अभी भी आपने थोड़ा डेमो तो दे ही दिया है, वो आई थिंक एक टीचर का काम और एक स्टैंड अप कॉमेडियन का ज्यादा है, राइट? जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया, तो ये स्किल आपके अंदर कहाँ से आई, मतलब मेरी वीडियोस देख करके? सर जब मैं खुद स्कूलिंग में था तो हम लोगों को साइंस जब पढ़ाई जा रही थी तो मुझे कई जगहों पर लगता था कि यार ये चीज किताबों में एक्सपेरिमेंट लिखा तो हुआ है,
बट यही चीज़ों को बहुत इजी तरीके से क्लास में दिखाया भी जा सकता है। सर आप जो भी मेरी वीडियो देखेंगे, कोई भी वीडियो एक ऐसी नहीं जहाँ पे हमने कोई बहुत महंगा सेटअप क्रिएट करके उसको बनाया हो, सब चीज़ें घर से ही निकाली गई हैं, चाहे वो टॉर्क वाला कंसेप्ट हो, वाइपर से साइंस समझा देते हैं हम, अगर बच्चे वीडियोज़ देखते हैं, हमने बॉब बना दिया पानी के टैंकी में जो वाटर लेवल की बॉल लगती है उससे हमने बॉब बना दी। जैसे अभी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, और कुछ अगर हमको करना हो यहीं पर जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करके, तो और आप क्या कर सकते हैं? जैसे ट्राइपॉड स्टैंड है और चेयर है, ये बॉटल है, टेबल है, सोफा है, मैं हूँ, आप हो। एक रॉड मुझे चाहिए होगी। हाँ। इसके लिए कोई हैवी बैग या कुछ हो हमारे पास? हमारे पास ये एक नॉर्मल बैग है जिसको हम लोग अगर ऐसे उठाएं तो हम 10 सेकंड तक बहुत आराम से, 20 सेकंड तक बहुत आराम से उठा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप इस रॉड के एकदम एंड पे इस बैग को लगाएं और फिर इसके एकदम एंड से उठाएं, तो कौन इसको 20 सेकंड तक हवा में उठा सकता है? अच्छा, कुछ हाँ, एक सेकंड कुछ कंडीशंस है, अगेन ये बैक खिसक के पीछे नहीं आना चाहिए, और 10 सेकंड तक आपको इसे परपेंडिकुलरली या 20 सेकंड इस बैक को उठाएं, और देखें आप नॉर्मली तो उठा ही पा रहे हैं। हाँ ठीक, ठीक है ना। अब आप इस रॉड के एकदम एंड में और अपने एक दोनों हाथ को एकदम एंड से पकड़ेंगे जितना मैक्सिमम हो सके। अब आप इसको परपेंडिकुलर, हाथ भी आपको स्ट्रेट रखने हैं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं, हाथ स्ट्रेट, हाँ, और अब उसको आप 10 सेकंड तक उठाएंगे। एक्चुअली ये जो बैग है, मैंने वीडियो में डाला था, ये थॉर का बैग है, हर कोई अच्छा। नहीं उठा सकता है वो, उस तभी वो वीडियो थोड़ा हाइप क्रिएट, ये सिर्फ थॉर ही उठा सकता है, थॉर ही उठा सकता है। मैं ट्राई करूं? बिल्कुल, अरे सर बिल्कुल, आसान है, आसान है। यहां से पकड़ना है? हाँ जी। अरे ये टूट गया? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा और पीछे से वैसे। अच्छा हाँ, और हाथों को एकदम ऐसे सीधा रखना। जय थॉर की, बहुत बढ़िया। चल रहा है तो भाई बाहर ही होता जा रहा है, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड गिनो सर। सर अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर लेंगे। बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली सर की मैंने वीडियो देखी थी, सर कह रहे थे कि मैं रोज सुबह 2 घंटा जिम करता हूं लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन आज दिख गया है। तो आपकी फैमिली भी आई हुई है अभी? मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी भाभी है, और मेरे ब्रदर है। अच्छा ठीक है, लेट्स गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम। तो आपकी भी रिसेंटली मैरिज हुई है या नहीं? सर 4, 4.5 साल हो गए। घर जाके आपके साथ एक्सपेरिमेंट होगा अच्छा वाला। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो भी इन्होंने सक्सेस अचीव करी है इतने कम टाइम में, उसके पीछे क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली वी वर जस्ट सिटिंग इन आर रूम, और मैं थोड़ा सोशल मीडिया काफी एक्सप्लोर करती रहती हूँ, तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे ना शॉर्ट्स आए हैं, तो आई टोल्ड हिम कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस प्लेटफॉर्म। ही सेड नहीं, मेरा मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा डालने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं आएगा, कोई बात नहीं। तो इनने डाली और वो टॉर्क वाली वीडियो वही चली। अच्छा वो जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ, वो वाली वीडियो, फिर विद इन 3-4 डेज अच्छा। वो काफी आगे तक गई। वो कहते हैं ना स्टेटमेंट, वो सही है, अरे हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अरे वाह क्या बात है। अब अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं वो आप इनसे पूछ सकते हैं। जो हम जो गांव के लड़के होते हैं या जो भी लड़कियां होती हैं, हम गांव से पढ़े होते हैं सर, तो वैसा हमें माहौल मिलता नहीं है सर, ताकि हम अपने मतलब साइंस को और डेवलप करें। लेकिन आप वीडियो सर बना रहे हैं जिससे बहुत हेल्पफुल हो रहा है बच्चों के लिए, तो मैं सर ये कहना चाहूँगा कि सर आप साइंस के हर एक को कॉन्सेप्ट पे सर आप वीडियो बनाइए, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। हर चीज़ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आप समझ, जैसे अब फॉर एन एग्जाम्पल सर, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन है या नहीं, बनी हुई है लेकिन आपके चैनल पे नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए हमारे पास परमिशन ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपको पता हो, इसको करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। जी सर। तो हाँ, लेकिन जितनी भी कोशिश हो सकती है हम लोग वीडियोस बनाते हैं। और मेरा एक मानना है कि ना यूट्यूब पे शायद मुझे दिखना शुरू हुआ कि हमारे चैनल के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। जी सर। बट मैं यहाँ पे उन सबसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसा होता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं और बोलते हैं कि अब आप बताओ इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है।
तो बच्चा तो वहीं पे ही उसका जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर ही नहीं हुआ ना। आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद ऐसे मत बोलो कि अब आप बताओ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। कंसेप्ट अगर समझाना, जैसे इनका एक डाउट है कि अगर हमें साइंस को समझना है और कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर उन वीडियोस को बनाने का कोई फायदा नहीं। फिर आप एक साइंस टीचर नहीं, फिर आप एक जादूगर के तरीके से काम कर रहे हो। लेकिन अगर हम एक कंसेप्ट को एक मिनट के अंदर, सर एक मिनट बहुत कम होता है, एक मिनट के अंदर एक्सपेरिमेंट भी दिखाना, उसके कंसेप्ट को भी पूरा समझा देना, तो ये काम हर एक कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपकी आपकी बात को ऊपर रखते ऐसे कहूँगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास YouTube से रेवेन्यू भी आने लग गया है, तो उस पैसे को हम इस्तेमाल करने लग गए हैं, चीज़ों को अलग लेवल पर लेके जाने वाले हैं, ताकि हम हर चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो बनाना शुरू करें। सर मैंने आपकी सारी वीडियोज़ देखी हैं और मैं आप दोनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यहाँ पर सारे साइंस की बातें कर रहे हैं कि आपके वीडियोज़ अच्छे हैं, सर की मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं। सर मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है आपके चैनल से, बट ये पूछना है कि आपका जो YouTube चैनल है वो काफ़ी जल्दी ग्रो हुआ है, तो ऐसे और भी यंगस्टर्स हैं जो अपने जॉब या अपने बिजनेस के साथ ये अपना पैशन या हॉबी फॉलो कर रहे हैं, तो सर उनके भी लाइफ में, आपके भी लाइफ में फेलियर्स आए होंगे, सो हाउ यू हैंडल फेलियर सर? जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम, मेरे हिसाब से दो चीज़ें जो है वो बहुत गलत करते हैं। एक है कि हम ना हर चीज़ में बहुत परफेक्शन को ढूंढते हैं और उस चक्कर में हमें कहीं बार डिमोटिवेशन होता है। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो एक स्केल और एक पेंसिल से 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग ये कोई भी नहीं कर सकता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर मैं बहुत परफेक्शन पे जाऊँ। रीज़न है कुछ, पहला रीज़न, कोई भी स्केल 100% एक्यूरेसी पे कैलिब्रेटेड नहीं होता। सेकंड, पेंसिल की एक मोटाई होती है, अगर 0.5 mm की पेंसिल की मोटाई है और आप 10 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो आप 10 सेंटीमीटर से इधर उधर जाएंगे जाएंगे। थर्ड, जो पेज होता है वो 100% प्लेन नहीं होता है। पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन से आज तक 10 सेंटीमीटर की लाइन उसको मानते आए हैं? आप एक पेज पे सर्कल बनाते हैं, सर्कल कुछ नहीं होता है सर। सर्कल क्या, आप बताओ मुझे, अगर आपने एक पेज पे सर्कल बनाया तो इट इज़ नॉट अ सर्कल, इट इज़ एक्चुअली अ सिलेंडर, क्योंकि उसकी छोटी सी मोटाई तो होगी। तो अगर हम थोड़ा थोड़ी चीज़ों पर अटके रहेंगे तो हम हमेशा डिमोटिवेट होते रहेंगे। हमें, जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, एक एग्जांपल मैं चैप्टर से लेता हूँ, और आपने वो 80% कंप्लीट कर लिया, अब आप उसको 100% कंप्लीट करने के चक्कर में लगे रहेंगे और वो होगा ही नहीं, तो आप हमेशा डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन हासिल करें, उससे आगे बढ़ जाया करें। सेकेंडली, मुझे एक बात और भी लगती है कि जब आप कोई अपना काम कर रहे हो तो उस पर आपका फोकस 100% होना चाहिए। आप बाकी चीज़ों पर ध्यान ना दें, आपके घर में क्या चल रहा है। कई बार भाई आपको रेबल होना पड़ता है, कई बार अपने घर वालों को कुछ प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, चाहे भले ही घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हों। अब हमारे लाइफ में बहुत बुरे फेज़ आए, लेकिन मैं बच्चों को कभी भी ये दिखाता नहीं था। एक कहानी मुझे इसमें याद आई कि एक बंदा है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे कुछ इसका इलाज बताएं। तो डॉक्टर बोलता है कि हमारे ही क्लिनिक के साथ में एक सर्कस है, वहाँ पर एक जोकर है, बहुत अच्छा हंसाता है लोगों को, तो वो जाके उसका शो देख। तो वो बंदा कहता है कि सर वो जोकर मैं ही हूँ। तो एक्चुअली में वो बंदा खुद डिप्रेशन से जूझ रहा है और वो लोगों को हंसा रहा है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे फेज़ आए जहाँ हमारे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, मैंने ये दो चार जगह शेयर किया हुआ है, लेकिन हमने कभी भी ये अपने काम पर अफेक्ट नहीं होने दिया, हमने हमेशा अपना 100% दिया। मेरी फैमिली ने बोला, कई बार एक आध बार उनके मन में भी आया कि तू ये एक्सपेरिमेंट करता है, इससे टाइम वेस्ट होता है, या ये सब मत कर, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट आज जो रिजल्ट दिख रहा है ना लोगों को, मेरी मदर को, मेरे ब्रदर को, मेरी फैमिली को, मुझ पे प्राउड फील होता होगा शायद, कि भाई जो चीज़ों पे हम पहले कहते हैं ना, लोग आपके आपकी छोटी छोटी बातों पे पहले ऐसे बात करेंगे कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो पूछेंगे कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो वो वाली बात है भाई, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि ये एक अच्छा रिजल्ट देगा, ऑलवेज ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज़। हमेशा अपने क्रेजी आइडियाज़ पे आप ट्रस्ट रखें, वो आपको सक्सेस देंगे ही देंगे। थोड़ा बहुत रेबल होना पड़ता है, थोड़ा बहुत बागी होना पड़ता है, घर वालों से अगेंस्ट कभी कभार जाना पड़ सकता है, लेकिन जब आप कुछ साबित कर दोगे तो शायद वो समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया मुझे आपके, स्पेशली जो एक्सपेरिमेंट्स आपने करे वो देखने में, करने में, वो करने में मजा आया वो जो। थैंक यू सो मच जी। जी जनाब, YouTube एजुकेशन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इंडिया में ही है, क्योंकि इतने यूट्यूबर, इतने कामयाब यूट्यूबर
जो बाकायदा यूट्यूब को एक ऐसा प्लेटफॉर्म समझते हैं कि जहाँ पे नॉलेज दी जा सकती है, जहाँ पे पढ़ाया जा सकता है, जहाँ पे इल्म दिया जा सकता है, ये सारी मिसालें वहीं से निकल रही हैं, सारी एग्जांपल इंडिया ही से निकल रही हैं। जितने भी ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अक्सर मैं यहाँ पर पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, वैसे लोगों से बातचीत होती है, बड़ी हैरत की बात बताने लगूँ मैं। अक्सर कहते हैं कि हमने एजुकेशन पे चैनल बनाया, हमने तालीम पे चैनल बनाया, हमने कोई इल्म देने की कोशिश की, हमें अगर थोड़े बहुत जो सब्सक्राइबर या व्यूवर्स मिले कहाँ से मिले? इंडिया से। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन चैनल पाकिस्तान में चल ही नहीं रहा। अगर कुछ लोग बनाते भी हैं तो उनको भी व्यूअरशिप इंडिया ही से मिल रही है, यानी वही लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं, वहाँ पर ये रुझान बन चुका है। यहाँ पर मेरे ख्याल में शायद ही कोई सर्च करता होगा इस तरह से एक्सपेरिमेंट, इस तरह के साइंस के फार्मूले वगैरह, इस तरह के मैथ के प्रॉब्लम्स। कभी आपने सर्च इस तरह का कोई प्रॉब्लम सर्च किया? कई बार कि मेरा तो इसी चीज़ से नहीं, यूट्यूब पर गूगल मैथ के क्वेश्चन सर्च करें, कई बार बायोलॉजी के हवाले से बहुत सारे टॉपिक। लेकिन अगर आपको मिलते होंगे तो इंडिया ही से कुछ ऐसे टीचर्स मिले, बहुत बार यूज़ करा यूट्यूब बहुत अच्छा है, हेल्पफुल रहता है आपके। कई लोग तो बाकायदा से यूनिवर्सिटी कहते हैं कि यूट्यूब एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अक्सर अगर ट्यूटोरियल मिलते भी होंगे आपको या टीचर मिलते भी होंगे तो इंडिया से भी मिलते होंगे ज़्यादातर। नहीं, पाकिस्तान के भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, इंडिया के भी हैं, लेकिन हमने जाहिर सी बातें मैंने देखा है इनका यूट्यूब का ये है कि ऊपर चैनल्स आपको वही दिखा रहा होता है जो आपके अरीब करीब के लोग हैं, या जो लोग आपका अब जब आप मैं टेंथ क्लास की जब मैथ्स की बुक के हवाले से कोई क्वेश्चन सर्च करती थी तो सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड लिखती थी, वो इंडिया से तो मुझे वीडियो लाएगा नहीं देखकर। तो सर्च आप तो सर्च करेंगे तो उसके हवाले से कोर्स के हवाले से लाता था तो वो पाकिस्तानी ही होते थे। सेम टेक्स्ट बुक लिखेंगे तो जाहिर सी बात है यहीं का आएगा। अब मैं प्रॉब्लम अपना जो प्रॉब्लम है मेरा तो मैं हवाला मुझे देना पड़ता था ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज ये सिलेबस के हवाले से, तो हमें जाहिर सी बात है कि जो बुक का नाम होगा हाँ, लेकिन ये है कि अक्सर मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं आज मिलियन सब्सक्राइबर, चार चार पाँच पाँच लाख, चालीस चालीस पैंतालीस पैंतालीस लाख, दो दो चार चार मिलियन, पाँच पाँच मिलियन। मैंने इस वक्त पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े यूट्यूब पे एजुकेशन चैनल्स नहीं देखे। अभी यहाँ इतना रुझान नहीं है मैं जहाँ तक समझता हूँ। बाकी इन शख्स की बातचीत सुनी, बड़ा अच्छा लगा, बड़े मोटिवेटेड, बड़े अपने काम पर फोकस और बहुत ही अच्छे तरीके से। इनके अंदर भी थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का अंदाज़ रखा हुआ था इन्होंने, बाकायदा बताते हुए बात करते हुए भी इंटरटेन कर रहे थे। कभी भी कोई चीज़ आप किसी को देते हो, नॉलेज देते हो, इल्म देते हो, साथ साथ आप अगर बोर तरीके से देते हो या आप मतलब बिल्कुल खुश्क तरीके से देते हो तो शायद मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ऑडियंस तक कोई चीज़ जाती नहीं है, व्यूवर्स तक इतना बेहतरीन तरीके से जाती नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बस बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे प्रैक्टिकल करके, इनकी खसूसियत साइंस पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से, तो ये एक यूनिक आइडिया है मेरी नज़र में। अच्छा, अक्सरियत से मैं इसे बिल्कुल 100% मुतफिक हूँ, कहा कि हमारे साइंस की बुक्स में इनफैक्ट हम 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास एक प्लांट्स का भी एक्सपेरिमेंट है कि उसके ऊपर सनरेज पड़ती हैं तो फिर वो नशोनुमा पाता है, फिर उसके अंदर हमें अगर किसी पौधे को ग्रोथ चाहिए तो फिर उसमें बीज डालने होते हैं, फिर उसके अंदर हमें डेली बेसिस पे पानी देना होता है। तो हमारी टीचर्स अक्सर ये कहा करती थी कि यार बेटा आप वो घर में ट्राई करना, आप घर में एक्सपेरिमेंट करना। अब क्योंकि एक बच्चे को इतना छोटा बच्चा है जो 2 क्लास का बच्चा है, 3 क्लास का बच्चा है, अब वो अपने घर में बैठकर खुद से एक्सपेरिमेंट कैसे करें? इसी तरह केमिस्ट्री के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, सर टीचर हमें करवाया नहीं करती थी, वो कहा करती थी कि बेटा आप घर में ये फला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, यानी एक चैप्टर के अंदर 7 से 8 एक्सपेरिमेंट्स होते थे, 5 से 6 एक्सपेरिमेंट्स होते थे। तो वो अक्सर कहा करती थी बेटा ये पेपर वाला एक्सपेरिमेंट आप घर पर करना, या फिर लाइट का पैरेललोग्राम करके और वो पता नहीं तरीके की कुछ चीज़ें थी हल्की हल्की याद है मुझे, वो एक्सपेरिमेंट आप घर पर करना। तो मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि एक कोई बड़ा टीचर हो मेरे साथ, वो मुझे गाइड करे और फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूँ तो मुझे समझ में आएगा, मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि जो चैप्टर होते हैं और उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एटलीस्ट हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्लास में वो एक्सपेरिमेंट्स करवाएँ ताकि उनको प्रैक्टिकली उनको पता चले कि चीज़ क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि उसको क्लियर रहे, बहुत छोटी क्लासेस से ही उसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जब हम 10 में जाते हैं, 9 में जाते हैं, फिर हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत हवा लगने लगती है, हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे होगा कैसे होगा। मैग्नेट का बहुत एक एक्सपेरिमेंट अक्सर आता है हमारे यहाँ मैग्नेटिज्म के हवाले से, तो उसके लिए हमें बहुत दिक्कत बहुत परेशानियाँ होती हैं। जार का एक एक्सपेरिमेंट है, गैस जार्स का एक्सपेरिमेंट आता है, उसमें बड़ी परेशानी। डेंसिटी का एक्सपेरिमेंट आता है, उसमें बड़ी परेशानियाँ, पता ही नहीं चल रहा होता। एक और एक्सपेरिमेंट आता है
जिसके अंदर हम कलर पिंक कलर का वो फ्लास्क के अंदर हमें एक केमिकल लेना होता है, उससे पिंक कलर बनाना होता है. टाइट्रेशन का आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट होता है हमारे 11th ईयर 12th में, वो भी आता है. उसमें बड़े मसले मसाइल होते हैं. आप यकीन करें हमारे ज़्यादातर बच्चे जिन्होंने बाकायदा मैट्रिक कर लिया होता है और इंटर में वो एक्सपेरिमेंट अगर दोबारा उनको करने के लिए कहा जाता है तो कॉलेज में भी नहीं करवाया जा रहा होता है, कोचिंग में भी प्रॉपर्ली, आपको पता है प्रैक्टिकल्स कोचिंग में, हमारे कोचिंग में प्रैक्टिकल्स नहीं होते. फिर बाकायदा हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सेंटर्स हैं इस काम के लिए. तो बच्चा कॉलेज पढ़े, बच्चा कोचिंग पढ़े और उसके बाद बच्चा प्रैक्टिकल सेंटर जाकर प्रैक्टिकल करता है अलग से. बिल्कुल उसकी फ़ीस अलग होती है. वो 4,000-3,000 चार्ज करते हैं आपसे 12 प्रैक्टिकल्स के, 11 प्रैक्टिकल्स से. मैंने इनफैक्ट मैंने खुद भी लिया है किराए. तो ना कोचिंग वाले आपको प्रैक्टिकल्स करवा रहे होते हैं ना कॉलेज वाले आपको प्रैक्टिकल्स करवाते होते हैं. और स्कूल में भी यही हालत होती है. तो मैं अक्सर यही सोचा करती थी कि यार ये क्या हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है या हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारी बुक का हिस्सा नहीं है जो हमें अलग से जाकर फीस देनी पड़ती है और अलग से सीखने पड़ते हैं. तो इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब काम करना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि बच्चों को बहुत परेशानी होती है इस चीज़ से. अच्छा यहाँ पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे जो कॉन्सेप्ट को क्लियर्स कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मैंने देखा आखिर में वीडियो के कहते हैं कि जी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है. तो वाकई ये तो बेवकूफ़ी है कि आपने पूरा एक्सपेरिमेंट करा और आखिर में आप सामने वाले से या बच्चे से ही पूछ रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो थोड़ी क्लियर कर पाएगा. वो तो आप ही बताओ कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म था, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था. दूसरी मुझे बहुत बढ़िया बात इनकी ये लगी कि परफेक्शन ना ढूंढो. किसी भी काम को 100% करने की अगर आप कोशिश करते हो तो आप वहीं अटक जाते हो. ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है कि मैं अक्सर चीज़ों को ना बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और मुझे लगता है पिछले से भी बदतर हो गया, वो पिछले से भी खराब हो गया. वो जो पिछला 75% था वो मैं 60 पे कर रही हूँ. कभी कभी ऐसा होता है चली जाती हूँ. तो वो रिस्की भी हो जाता है थोड़ा सा आपके लिए. तो बहुत अच्छी इन्होंने मिसाल दी कि अगर एक चैप्टर आपने 80% कंप्लीट कर लिया तो आप 100% के चक्कर में वहीं नहीं अटके रहो, मूव ऑन कर जाओ दूसरे चैप्टर पे, तीसरे चैप्टर पे, चौथे चैप्टर पे, जितना आपने ले लिया. एक जगह हमने और भी सुना था कि हमारा माइंड जो है बहुत पावरफुल है और हम जो भी चीज़ें पढ़ लेते हैं वो 80% 90% याद कर लेता है. और वो मौका जब आता है तो उस वक्त वो आपको एक तरीके से रिकॉल करवा देता है, एक तरीके से रिमाइंड करवा देता है कि ये फला फला चीज़ मैंने फला फला जगह पढ़ी थी. जैसे अभी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के नाम पढ़े तो मैंने 4-5 साल पहले ही ये पढ़े होंगे, 5-6 साल पहले, लेकिन मुझे आज भी याद है. तो इसीलिए जब हम इम्परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना तो वो चीज़ थोड़ी मुझे ऐसा लगता है इम्परफेक्ट होना शुरू हो जाती है. तो हमें ज़्यादा परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए अपने काम पे और हमें इम्परफेक्शन में अगर थोड़ी बहुत रह भी जाए तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए. आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में तो कुछ बचा नहीं है. ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज में मेरे पास भी कुछ नहीं बचता. तो बस काफ़ी कुछ तो उन्होंने कह दिया, कुछ बचा नहीं है. बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो. दोबारा किसी और मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.